पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी की लाल नीली बत्ती लगी गाड़ी को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से लैपटॉप, आईडी पैड और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस का यह वर्क आउट वाहन चेकिंग के दौरान हुआ है। गिरफ्तार किए अभियुक्त ने अपना नाम हिमांशु कनौजिया बताया है। चुनाव के मद्देनजर जौनपुर कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाई हुई थी। फिर क्या हुआ, देखिए पूरी खबर। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्शन भी चल रहा है, उसमें एसओजी टीम, सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम रात को चेक कर रही थी कोतवाली थाना क्षेत्र में। उसी समय एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया जिसपे की लाल नीली बत्ती लगी थी। जब उससे पूछा गया रोके कि आप कौन है, कैसे है, तो पहले तो रोप दिखाना चाहा। जब उनसे लड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं एसीएस होम सरकार इस्तेदार बन के और कभी स्वयं बन के डिफेंस थाने वालों को और प्रशासनिक अधिकारियों को अदब में लेता था, उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता था या सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पे उनसे पैसे रखते थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो सारी बात उन्होंने बताया। उसके पास से जब देखा गया तो एक एस क्रॉस गाड़ी है जो कि स्विफ्ट डिजायर है और 32 नंबर यूपी लखनऊ का गाड़ी दिखे। इसमें वो डिजायर में रजिस्टर्ड है लेकिन एस क्रॉस उसके पास गाड़ी थी, वो बरामद हुआ। एक लाइटर जो कि पिस्टल नुमा थी वो बरामद हुआ। 6 एटीएम कार्ड बरामद हुए, एक लैपटॉप है, एक लाल नीली बत्ती है, एक आई कार्ड है और 3 मोबाइल है। इस तरह से उसके पास अन्य सामान भी बरामद हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है। ये व्यक्ति यही सहायक फायदा क्षेत्र का रहने वाला है और बहुत साथियों किस्म का आदमी है। पिछले 3 माह से ये काम करता था। किन अधिकारियों को धमकी देता था या पैसा? देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और पुलिस के अधिकारी भी हैं जो कि उनको एससीएस फोन बनके एससीएस फोन बोल रहा हूं और उनके रिश्तेदार भी बनके फोन किया करते थे। तो इस तरह से इसका एक मोडस ऑपरेंडी था जो पिछले 3 माह से काम कर रहा था। इसको कल रात गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधि कार्रवाई की। सर कितने पैसे अभी तक लिया होगा इससे, कोई अनुमानित आंकड़ा? कोई पैसा कितना लिया है, कोई अनुमानित? कितने लोगों को नौकरी के नाम पर सर झांसा बनाने? ये अभी चुनाव जारी है और इसमें जो बताया हमने आपको कि आपने स्वयं भी सुना कि कुछ एसओज को, कुछ उनके रिश्तेदारों को, कुछ प्रशासनिक अधिकारी को रिश्तेदारों को कि मैं सचिवालय में नौकरी लगवा दूंगा, उसके नाम पे इसने पैसे लिए हैं। विवेचना भी जारी है चूंकि मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग इसकी गिरफ्तारी हुई, अभी जांच कर रही है। अन्य बातें जो है आपको बाद में बताई जाएगी। टीम कौन कौन सी गिरफ्तारी और कहां गिरफ्तार किया गया? ये देखिए कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम थी, सूजी प्रभारी थे और सर्विलांस प्रभारी थे, तीनों टीमों ने गिरफ्तार किया। सर अकेले ऑपरेट करता था इसके साथ? अब अकेले, अभी जो गाड़ी में गिरफ्तार हुआ है स्वयं गाड़ी वाहन चला रहा था वो, जिसमें लाल नीली बत्ती लगी थी जैसे मैंने पहले बताया। गाड़ी एस क्रॉस थी जो कि रजिस्टर्ड है डीआई के नाम पे लखनऊ में, एक इंजीनियर के नाम से रजिस्टर्ड है लखनऊ में सादा डिवीजन के, उसकी भी जांच चल रही है कि उनका कैसे गाड़ी लेके यहाँ घूम रहा था और उनका क्या रोल है। सर क्या कोई अब तक इनके झांसे में आया था या झांसे में आकर के किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा दे दिया? देखिए मैंने कहा कि ऐसा हुआ है, अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गिरफ्तार हुआ है, अभी इससे पूछताछ जारी है, जैसे जैसे होगा आपको बताया। कोई सुरक्षाकर्मी भी लेके चलता था सर ये? नहीं कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, अकेले स्वयं करता था, स्वयं चला था क्योंकि मैक्सिमम इसका जो मॉडल सप्लेंडी था ये फोन के माध्यम से फन ऐप जो है उसको डाउनलोड करके सीयूजी नंबर क्रिएट करता था और सीयूजी से फोन करता था। 2022 चुनाव से सर कहीं कनेक्ट तो नहीं है इस बिंदु पे भी जांच चल रही है और जैसे होगा आपको बताया।